फाइनली हमारे पास Realme 3 Pro आ चुका है और यह रिटेल यूनिट वाला बॉक्स है जिसे हमने Flipkart से परचेज किया है। तो आप देख सकते हैं कितनी अच्छी तरह से यहाँ पैकिंग की गई है। तो अगर आप Flipkart से परचेज करेंगे तो कुछ इसी प्रकार का पैक्ड आइटम आपके पास पहुंचेगा। बहुत ही अच्छी तरह से पैकिंग की जाती है। Flipkart को मैं हमेशा इसीलिए पसंद करता हूं क्योंकि उनकी जो पैकिंग होती है बहुत अच्छी होती है, जो कोई और ई कॉमर्स वेबसाइट आपको अच्छी पैकिंग प्रोवाइड नहीं करती है, जबकि Flipkart हमेशा से आपको बहुत ही अच्छी पैकिंग देती है। और इसे मैं साइड रख देता हूँ क्योंकि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये है हमारा रिटेल यूनिट वाला बॉक्स Realme 3 Pro का। एक बिल दिया गया है और इसे भी अच्छे तरह से कवर्ड किया गया ताकि फ़ोन के बॉक्स को कोई नुकसान ना हो पाए। और जो डिलीवरी है वो भी बहुत ही फास्ट हुई है हमारे एरिया में। 2 डेज डिलीवरी हमारे एरिया में काम करता है। तो जब भी मैं Flipkart से फ़ोन परचेज करता हूँ तो 2 दिन में मेरे पास पहुँच जाती है। तो देख सकते हैं Realme 3 Pro का बॉक्स कुछ इस प्रकार से आपको दिखता है। बॉक्स में कुछ खास चेंजेस नहीं किए गए हैं। अगर आप Realme 3 से आपको कंपेयर करोगे तो बस Pro आपको अलग दिखेगा, साथ ही Realme का जो लोगो है वो नहीं दिया गया। बाकी सेम ही बॉक्स है, कलर वगैरह Realme U1 के बाद से ही यही कलर बॉक्स पे यूज किया जा रहा है। बॉक्स के बैक साइड में अगर आप देखोगे तो सार वैल्यू यहाँ पे दिया गया है। 1.159 kg हेड है और 0.73 जो है वो बॉडी पे दिया गया है। और यह 4GB 64GB वाला मॉडल है और कलर जो है वो कार्बन ग्रे है। और ज्यादातर आपने अनबॉक्सिंग अगर YouTube पे देखा होगा तो वो ब्लू कलर वाला देखा होगा, तो हमने इसीलिए कार्बन ग्रे मंगाया ताकि थोड़ा सा अलग कलर आपको यहाँ पे देखने को मिल जाए हमारे वीडियो में। और जल्दी से मैं इसे ओपन करके आपको दिखा देता हूँ क्योंकि ज्यादा टाइम लेना ठीक नहीं होगा। एक और चीज जिसे Realme ने इम्प्रूव किया है वो है सील पैक की। Realme 2 से इन्होंने सील पैक वाला ऑप्शन हटा रखा था, डायरेक्ट एक कवर चिपका करके फोन भेज रहे थे, लेकिन Realme 3 के बाद इन्होंने सील लगाना फिर से शुरू कर दिया, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। विदाउट सील तो फोन एक्सेप्ट करना भी नहीं चाहिए। लेकिन 2018 में जो Flipkart के कुछ प्रोडक्ट आ रहे थे उनमें सील पैक नहीं होता था, सिर्फ कवर के द्वारा पैक किया जा रहा था। तो फोन ओपन हो रहा है आपके सामने, अब आएगा। सबसे पहले बॉक्स के ऊपर में कुछ इस प्रकार का आइटम आपको दिया गया है जिसके ऊपर में है वेलकम टू Realme फैमिली लिखा गया है। नीचे में Realme की ब्रांडिंग है और इसके अंदर में आपको मिल जाता है एक सिलिकॉन टीपीयू केस जिसकी क्वालिटी अच्छी है। जी हाँ, अच्छी क्वालिटी की। अगर आपने Realme का कोई भी फोन यूज किया होगा तो वैसा ही बैक कवर जो है यहाँ पे दिया गया है। और यहाँ पे कुछ यूजर गाइड और इन्फॉर्मेशन वगैरह दी गई है, क्विक गाइड वगैरह, तो मैं इसे साइड रख देता हूँ। और साथ ही यहाँ पे आपको सिम इजेक्टर पिन भी दिया, जो कि बहुत ही जरूरी वाला सामान है। आगे बॉक्स अगर कंटेंट देखें तो यहाँ पे सबसे पहले टॉप में हमारा स्मार्टफोन है Realme 3 Pro। जी हाँ, ये है हमारा Realme 3 जिसे कि अच्छी तरह से कवर किया गया है। मैं ये प्लास्टिक हटा रहा हूँ और देख सकते हैं फोन कुछ इस प्रकार से दिख रहा है। और लाइटिंग आपके सामने है, बैक में जो वो लाइट रिफ्लेक्ट कर रहा है वो आप देख सकते हैं अच्छे से यहाँ पे। इस स्टिकर को भी मैं हटा रहा हूँ और अब आपको शायद कुछ बेहतर और अच्छे से नजर आ जाए। तो ये ब्लैक कलर के जैसा ही लग रहा है, कार्बन ग्रे कलर इसे कहा गया है। और नीचे में Realme की ब्रांडिंग की गई है। जब आप फोन को हल्का सा कर्व करेंगे तो यह लाइट जो है रिफ्लेक्ट करता है और आपके फोन को यह एक अलग प्रकार का लुक देता है। साथ ही अगर फोन के वेट का बात करें तो 4000 mAh की इसमें बैटरी है, लेकिन Realme के अदर फोन की तरह इसका भी वेट बहुत ही कम है, यानी कि लाइट वेट वाला यह फोन है। फिलहाल मैं इसे साइड रख देता हूं और आगे देखते हैं बॉक्स में हमें और क्या क्या मिले हैं। तो यहां पे सबसे पहला जो बहुत ही मजेदार चीज है वो है बोक चार्जिंग 3.0। जी हाँ, 20 वाट का ये चार्जर है। क्वालकॉम 3.0 से भी हाई रेटेड है, वो तो 18 वाट का ही होता है, लेकिन यह 20 वाट का चार्जर है जो कि ओप्पो की स्पेशल चार्जर है। लेकिन यहाँ पे ओप्पो की कोई ब्रांडिंग नहीं है, Realme की ब्रांडिंग की गई है। अगला कंटेंट है हमारा वोक चार्जिंग वाला डेटा केबल। जी हाँ, अगर आपको वोक चार्जर यूज करना है अपने फोन के लिए तो आपको इसी डेटा केबल का यूज करना होगा, क्योंकि अगर आप अदर डेटा केबल यूज करेंगे तो आपके फोन को फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट नहीं मिल पाएगा, वो ठीक से काम नहीं करेगा या हो सकता है काम ना ही करे। तो माइक्रो यूएसबी वाला ये चार्जर है, सी टाइप चार्जर नहीं है। तो बहुत लोगों को सी टाइप कोई फर्क नहीं पड़ता है, मुझे भी नहीं पड़ता है, लेकिन हाँ, सी टाइप अगर आता है तो वो ज्यादा बेहतर हो जाता है, क्योंकि समय के अनुसार अगर आप चेंजेस नहीं करते हैं तो वो अच्छा नहीं लगता है। अगर आप इस फोन को खरीदते हैं तो आपको ये सारे कंटेंट मिलने वाले हैं। सिम इजेक्टर मिलेंगे, बॉक्स चार्जर मिलेंगे, बैक कवर, डेटा केबल और फोन, तो ये सारे कंटेंट आपको मिलेंगे आपके बॉक्स के साथ अगर आप Realme 3 Pro को परचेज करते हैं Flipkart या फिर realme.com से। जल्दी से हम फोन को सेटअप करते हैं। हमने पावर बटन दबा दिया और आप देख सकते हैं स्क्रीन पे Realme का लोगो आ चुका है।
और इसे ऑन होने में थोड़ा समय लग जाएगा। और जब तक यह फ़ोन ऑन होकर के पूरी तरह से तैयार होता है, उससे पहले हम आपको एक छोटा सा क्विक फिजिकल ओवरव्यू दे देते हैं फ़ोन के बारे में, ताकि आपको फ़ोन के फिजिकल इंटरफेस के बारे में भी थोड़ी बहुत जानकारी मिल जाए। तो फ़ोन बैक से कुछ इस प्रकार से आपको दिखता है। आप देख सकते हैं डिज़ाइन कितना ज़्यादा शाइनी है। और जो फ़ोन की बिल्ड क्वालिटी वो पॉली कार्बोनेट है, यहाँ पे कोई किसी प्रकार का ग्लास यूज नहीं किया गया है। बैक में बॉटम में रियलमी की ब्रांडिंग है और टॉप पे आपको ड्यूल कैमरा प्लस एलईडी लाइट दिया गया है। और साथ ही फोन के टॉप मिडल में आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर भी दिया गया है। फोन के टॉप में आपको सेकेंडरी माइक दिया गया है, नॉइज कैंसिलेशन माइक कह सकते हैं। और बॉटम में आपको मिल जाता है स्पीकर, प्राइमरी माइक, 3.5mm जैक और चार्जिंग पोर्ट। और राइट साइड में आपको दिया गया है पावर बटन और लेफ्ट साइड में वॉल्यूम रॉकर की के साथ ही सिम ट्रे भी दे दिया गया है। और यह हाइब्रिड सिम स्लॉट नहीं है, यह ट्रिपल स्लॉट दिया गया है, यानी कि दो सिम और एक एसडी कार्ड को आप इस फोन में लगा सकते हैं, जो कि रियलमी की सबसे बड़ी खासियत है। फोन फ्रंट से कुछ इस प्रकार से दिखता है। फोन के फ्रंट में कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन दिया गया है और साथ ही एक स्क्रीन गार्ड इसके ऊपर में लगा दिया गया, जो रियलमी हमेशा से सभी फोन के ऊपर में करता है। तो यहाँ पे भी आपको स्क्रीन गार्ड दिया गया है। और फोन के टॉप में आपको सेल्फी कैमरा दिया गया है, कुछ सेंसर है, बाकी किसी प्रकार कोई फ्लैश लाइट वगैरह यहाँ पे नहीं दिए गए हैं। तो ये था फोन का एक क्विक फिजिकल ओवरव्यू। अब फोन को जल्दी से सेटअप करते हैं और आपको दिखाते हैं हमें फर्स्ट बूट में क्या सब मिला है। तो फिलहाल हमने फोन को पूरी तरह से सेटअप कर लिया। आप देख सकते हैं फोन कुछ इस प्रकार से काम कर रहा है और मुझे किसी प्रकार का टच में इशू नहीं लग रहा है, जो कि रियलमी के सभी फोन में टच इशू नहीं होते हैं। अपडेट के बाद कुछ फोन में इशू आए हैं, लेकिन बाद में उसे भी सॉल्व कर दिया गया है। तो फोन के टच रिस्पॉन्स बहुत ही स्मूथ है। कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन डिस्प्ले पे दिया गया और साथ ही एक स्क्रीन गार्ड भी इसके डिस्प्ले पे लगा दिया गया है, तो बहुत ही अच्छी बात है। और मैंने यहाँ पे थोड़ा सा टेस्ट भी किया स्क्रैच के लिए, तो वो वाली वीडियो आपको आने वाले समय में हमारे चैनल में मिल जाएंगे, स्क्रैच टेस्ट वाले। फिलहाल बात कर लेते हैं हम इस फोन के बारे में और देखते हैं हमें फर्स्ट बूट में क्या क्या मिला है। तो इसके लिए मैं सेटिंग में जाता हूं और देखता हूं कि स्टोरेज वगैरह क्या क्या मिली है और अबाउट सेक्शन में क्या जानकारी दी गई है। अबाउट सेक्शन में आप डिवाइस नेम देख सकते हैं, रियलमी 3 है, मॉडल नंबर वगैरह दिए गए, कलर ओएस 6.0 लेटेस्ट वाला कलर ओएस है, जो कि रियलमी 3 में भी और रियलमी 3 प्रो में भी। आने वाले समय में और भी अपडेट आएंगे। क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 710 वाला प्रोसेसर, जो कि ऑक्टा कोर प्रोसेसर है, 4GB रैम है, 64GB इंटरनल स्टोरेज दिया गया है और अवेलेबल 46.8 ही यहाँ पे दिखा रहा है, जो कि थोड़ा कम मुझे लग रहा है। और रियलमी के सभी फोन में मेमोरी वाले इशू तो होते ही रहती है। 5 मार्च का लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच दिया गया है, आने वाले समय में एक अपडेट भी जल्द ही आने वाला है, तो वो भी अपडेट हमें मिल जाएगा और सिक्योरिटी पैच जो है वो अपडेट हो जाएगा और भी कुछ चीजें जो फिक्स होंगी, जिसके बारे में इन्फॉर्मेशन तो मिल गई है। फिलहाल मैंने चेक नहीं किया है क्योंकि अभी तक मैंने इसमें कोई भी सिम इंसर्ट नहीं किया है। और अगर रैम स्टोरेज की बात करें कि फर्स्ट बूट में हमें कितना रैम मिला है, तो आप देख सकते हैं 4GB में से 2.1GB अवेलेबल है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। आपको मल्टीटास्किंग में किसी प्रकार का कोई इशू या दिक्कत नहीं आने वाली है। और हमने साथ ही फोन में फिंगरप्रिंट प्लस जो फेस अनलॉक है वो सेटअप कर लिया है, तो हम चेक करके देख लेते हैं कि इस फोन का फिंगरप्रिंट कितना फास्ट है। और वैसे रियलमी के फिंगरप्रिंट हमेशा से फास्ट रहते हैं और इसका मुझे उम्मीद है कि बहुत ही फास्ट होने वाला है। तो आप सकते हैं यहाँ पे बटन, यहाँ पे फिंगर सटाते हैं, ये अनलॉक हो रहा है। बहुत ही फास्ट फिंगरप्रिंट अभी काम कर रहा है और आने वाले समय में भी फास्ट ही काम करेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। रियलमी के सभी डिवाइस के फिंगरप्रिंट बहुत ही फास्ट है। तो फेस अनलॉक अगर टेस्ट करते हैं तो वो मैं टेस्ट कर लेता हूँ फेस अनलॉक कैसा काम करता है। तो फेस अनलॉक भी देख सकते हैं, अनलॉक एक ही बार में हो जाता है, डिस्प्ले ऑन होते हैं, देखिए ताला खुल गया और स्वाइप कीजिए और डिवाइस अनलॉक हो जाता है। सेटिंग में जाकर के आप इसे ऑफ भी कर सकते हैं, डायरेक्ट ये अनलॉक काम करेगा। आगे आने वाले फेस अनलॉक वाली वीडियो में हम इसे टेस्ट करके आपको जरूर से दिखाएंगे। तो आप कैमरा ओपन करके देखते हैं कि कैमरा परफॉर्मेंस इस फोन का कितना है। जो कैमरा टेस्ट वीडियो है वो तो आपको जरूर मिलेगा, बस यहाँ पे एक छोटे मोटे सैंपल में टेस्ट कर लेता हूँ, ताकि जो फर्स्ट इंप्रेशन है वो आपके सामने में रख सकूं। तो फिलहाल हमने कुछ फोटो क्लिक कर लिए जो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। ये फोटो जो कि हमने Realme 3 Pro के बॉक्स के ऊपर में लिया है, तो रियर कैमरा का फोटो डिटेलिंग बहुत ही अच्छी है, बहुत ज्यादा जूम करने पे देख सकते हैं आपको डिटेलिंग में कंप्रोमाइज करने को नहीं मिल रहा है। आप यहाँ पे नीचे में दिए गए जो छोटे अक्षरों में लिखे होते हैं MRP वगैरह, उसे भी आप क्लियरली पढ़ सकते हैं, आपको क्वालिटी डिक्रीजमेंट का एहसास बिल्कुल भी नहीं होगा। अगला फोटो भी हमने रियर कैमरा से लिया है और देख सकते हैं फोटो कितनी अच्छी आई है, कलर वगैरह भी अच्छी आई है। ये वाला फोटो हमने पोर्ट्रेट मोड में लिया है, तो आप देख सकते हैं फोटो कैसी आई है और जो ब्लर इफेक्ट है वो अच्छे तरह से काम कर गया है, तो मुझे अच्छा लग रहा है फिलहाल। आगे मैं आपको कैमरा टेस्ट करके जरूर दिखाऊंगा। ये वाली सेल्फी है और देख सकते हैं फोटो कैसी आई है, जो फेस के ऊपर में फोकस होना चाहिए वो उतनी अच्छी नहीं आई है और साथ ही जो डिटेलिंग है वो भी उतनी अच्छी नहीं आई है। तो सारे फोटो अभी इंडोर कंडीशन वाले हैं, आउटडोर वाले नहीं है, तो मुझे
फ्रंट कैमरा में उतना अच्छा अभी फिलहाल नहीं लग रहा है। कपड़े के ऊपर में आपको अच्छी डिटेलिंग अच्छी कलर मिल रही है, लेकिन जो फेस के ऊपर में होना चाहिए डिटेलिंग वो उतना अच्छा नहीं मिल पा रहा है। अगला फोटो हमने नॉर्मल लिया है, ये वाला पोर्ट्रेट था और ये वाला नॉर्मल फोटो है, देख सकते हैं दोनों फोटो में वही इशू है, मुझे फेस के ऊपर में उतनी अच्छी डिटेलिंग नहीं मिल रही है। बाकी जो कपड़े के ऊपर में है वहाँ पे आपको अच्छी डिटेलिंग और कलर जो है मिल रहा है। आने वाले समय में आपको जल्दी कैमरा कंपेरिजन प्लस जो कैमरा रिव्यू है वो मिल जाएगा, तो उसके लिए आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। और हमारे पास इसके कंपेरिजन करने के लिए बहुत सारे फोन है, जैसे कि अभी Redmi Y3 भी आ चुका है, Realme 3 ऑलरेडी है हमारे पास, Realme U2 है और भी बहुत सारे फोन है, Samsung Galaxy M20 है और ढेर सारे फोन अभी है, तो सबके साथ कंपैरिजन मिलेगा। Poco F1 के साथ, Redmi Note 7 Pro के साथ, सभी फोन के साथ आपको कंपैरिजन मिल जाएगा। तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके घंटी दबाना मत भूलिएगा। तो ये था मेरा एक छोटा सा अनबॉक्सिंग और फर्स्ट इंप्रेशन वाला वीडियो, आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, टारगेट रखते हैं 150 लाइक का, इससे ज्यादा मैं नहीं रख रहा हूँ, 150 लाइक काफी मुझे लग रहा है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर सकते हैं शेयर कर दीजिए, और कुछ भी पूछना हो स्पॉन्सर रिलेटेड जरूर से कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए, क्योंकि आपके सारे सवालों का जवाब जो है मैं एक Q&A वीडियो में जरूर से दे दूंगा। तो फिलहाल किस वीडियो में इतना ही, मुझे उम्मीद है आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, तो जरूर से लाइक कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आपसे विदा लेते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत एंड टेक केयर।